हाय फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने बेसन वाली मिर्च तो कई बार खाई होगी। आज हम कुछ अलग स्टाइल से बेसन वाली मिर्च बनाएंगे जो बहुत टेस्टी और टेंगी तो होगी ही, जिसे आप पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं और जिसे आप ट्रेवलिंग में भी साथ में ले जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये अलग स्टाइल की बेसन वाली मिर्च कैसे बनती है। इसके हम इंग्रेडिएंट्स देखेंगे और इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी सारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। बेसन वाली मिर्च बनाने के लिए हमें चाहिए हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, राई, सौंफ, एक कप बेसन लिया है, नमक, तिल या सिसमी सीड्स जिसे बोलते हैं, नींबू का रस हमें लेना है, हरा धनिया, हींग, 4 से 5 हरी मिर्च और तेल। बेसन वाली मिर्ची बनाने के लिए मैं सबसे पहले चिली कटर में मिर्ची को बारीक कट करना है, हमें बारीक कट कर रही हूँ। आप चाहे तो सीजर से कट कर सकते हैं, छुरी से भी कर सकते हैं और जहां तक संभव हो इसके बीजे हमें निकाल देने हैं, अवॉइड करनी है। और मिर्ची भी एकदम कम तीखी हो तो ज्यादा अच्छा है, खाने में भी मजा आएगा और बहुत स्वादिष्ट भी बनेगी। अब मैं इसको चिली कटर से मिर्ची को कट कर लेती हूँ। ये मैंने 4 मिर्चियों को चिली कटर से कट कर लिया है और जहां तक हो सके इसकी सारी बीजें हटा दिया। कम तीखी मिर्ची मैंने ली है। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। अब मैंने बेसन वाली मिर्ची के टेम्परिंग के लिए 1.5 से 2 चम्मच तेल लिया है और अब हम इसमें डालेंगे, तेल गर्म हो गया है, राई डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा हींग। बेसन की चीजों में हींग का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से तिल, डालेंगे हम 1/2 टीस्पून, साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। अब ये बारीक कटी हुई हमारी मिर्च हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा सौते करेंगे, साथ में हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं सौंफ। बहुत अच्छा स्वाद आएगा सौंफ का इसमें। थोड़ा मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ऑलमोस्ट पानी डालेंगे हम इसमें और पानी को थोड़ा सा उबलने देंगे। अब ये पानी उबलने लग गया है, हम इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं स्वादानुसार। बेसन के अंदाज से भी हम इसमें नमक डाल रहे हैं और अब हम इस उबलते हुए पानी में बेसन मिलाएंगे। बेसन मिलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ऑलमोस्ट 1 कप बेसन लिया है मैंने और गैस को थोड़ा धीमा कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, गर्म पानी है, आसानी से मिक्स हो गया है, कोई लम्स वैसे तो नहीं पड़ा है। एकदम हम तुरंत इसको अच्छी तरह से हिलाते हैं तो बिल्कुल भी लम्स भी नहीं पड़ता है और एकदम बेसन बहुत अच्छी तरह से तेल और पानी के साथ मिक्स हो जाता है। अब हम इसको धीमे आंच पर ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। अब 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हम इसे खोल के देखते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये मेरी मदर इन लॉ की एक बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। बारिश के दिनों में जब सब्जियां नहीं मिलती थी घर में होती थी पहले, तो इस तरह की बेसन वाली मिर्ची एक सपोर्टिंग डिश की तरह बनती थी और इसमें ज्यादा तीखापन भी नहीं है। हमने बीजे निकाल दिए हैं तो सब जने इसको सब्जी की तरह भी खा लेते थे, इतनी सारी हमारे घर में ये बनाई जाती थी। आपको भी बहुत पसंद आएगी, जरूर बनाइए। ये एकदम तैयार है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा खट्टापन के लिए नींबू का रस, 1 से 1.5 नींबू का रस मैंने इसमें लिया है। सबको मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इस मिर्ची का। मेरा आपसे आग्रह है आप जरूर इसे बनाइए और सबको खिलाइए।
अब हम इसको गैस बंद कर देते हैं और थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे हम। ये हमारी एकदम भन्नाट तेंगी बेसन वाली मिर्च तैयार है फ्रेंड्स। तो ये अलग तरह की बेसन वाली मिर्च जरूर ट्राई कीजिए, और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे आप अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।